नमस्कार किसान भाइयों, गणेशा डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हमारी गाय ब्याहने वाली है और ये वही गाय है जिसे सेक्सिमन लगा था। तो आज हमारे फार्म पे चाम्स की बछड़ी आने वाली है, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार की हेल्दी बछड़ी दी है चाम्स की। और इस गाय का मिल्क रिकॉर्ड है 25+, उससे ज़्यादा ही है पर हम 25 बोलते हैं। और आगे इसे चाम्स का सीमन लगवाया था जिसकी बछड़ी आने वाली है, इसकी डिटेल आप लोगों को देंगे। अभी इसे कैल्सिमस्ट दिया जा रहा है ताकि इसको थोड़ी शरीर में ताकत रहे। ये बछड़ा पहले इसने दिया था और इसके बाद ही हमने इसको फिर सेक्सिमन लगवाया ताकि ये अगली बार भी बछड़ा नहीं दे। अगर अब ये भी बछड़ी होती तो कितनी सुंदर होती, क्योंकि ये भी ABS का ही सीमन था, बस ये सेक्स्ड में नहीं था। और ये देखिए कितनी सुंदर बछड़ी दी है चाम्स की। और ये बछड़ी है, आप लोगों को दिखा दें, ये देखिए। पहले भी हम लोग आप लोगों को डिटेल दे चुके हैं इसके सीमन के बारे में कि कौन सा सीमन लगा है, नंबर वगैरह सारा डिटेल हमने दे चुके हैं। और इसका अडर भी देखिए कितना कम्प्लेक्स अडर है, घुटने से ऊंचा इसका अडर है। तो ऐसी गाय को ही बोलेंगे बिल्कुल कम्पैक्ट अडर की गाय। अभी आगे आप लोगों को जानकारी देंगे कि इसे क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे। एक कैल्सीमेट हम इसको दे चुके हैं और एक घंटे बाद इसको एक कैल्सिमेस्ट फिर दे देंगे। और अजवाइन गुड़ हल्दी का काढ़ा वो देंगे ताकि इसे जड़ डालने में दिक्कत नहीं आए। और देखिए माँ की भी हालत अच्छी है और बच्चे की भी हालत अच्छी है, तो आप लोगों के लिए यही सजेशन है हम लोगों का कि जो अच्छी गाय है अगर आप ब्रीड चाहते हैं तो उसे सेक्स सीमन लगवाइए जो कंसीव करने की क्षमता जिसमें अच्छी हो। अभी आगे नेक्स्ट हम इसे फिर सेक्स सीमन ही लगवाएंगे और इससे बछड़ियाँ लेंगे। और आप लोग भी ऐसा ही करिए क्योंकि इसकी प्रजनन क्षमता अच्छी है, ये 1.5 से 2 महीने में हिट में आ जाती है। और फिर इसे सीमन लगवा के फिर से हम इससे बछड़ी प्राप्त करेंगे। देख सकते हैं आप गाय भी अच्छी बड़ी है और बछड़ी भी अच्छी बड़ी है। अब आगे हम अपनी गाय को मेडिसिंस में देंगे सिराकाइन प्लस 2 ताकि जन्ने में उसे कुछ दर्द वगैरह जो था वो ख़त्म हो जाए। और कोई भी टेरामाइसिन पैरासीटामोल, बुखार नहीं आए इसके, और 2 गोली भूख की ताकि स्ट्रेस या थकान के कारण वो खाना पीना बंद नहीं करे। ये आगे हमें देनी है उसे। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये है चाम्स की बछड़ी और कितनी हेल्दी पैदा हुई है ये चाम्स की बछड़ी। और आप बगल में इसके फादर का फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये है बुल चाम्स जिसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है 12,000 लीटर प्लस। और फैट परसेंट आप देख सकते हैं 3.7 और मदर मिल्क रिकॉर्ड 12,000 प्लस, मतलब जो हमारी बछड़ी आई है वो 30 लीटर प्लस की पर डे रहेगी। तो आप लोग इस प्रकार के सीमन का इस्तेमाल करके अपनी नस्ल सुधार सकते हैं, अपनी ब्रीड सुधार सकते हैं और काफ़ी फ़ायदा पा सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। गणेशा डेयरी फार्म के चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आप लोगों को आगे और नॉलेजेबल वीडियो देते रहें। धन्यवाद।